ऐशा इधर पड़ी हुई है जी। ऐशो को भी हमने दूध पिलाया और इधर हमने सुला दी, ऊपर कपड़ा भी दे दिया हमने कि मक्खियाँ वगैरह ना बैठे। ऐशा हमारी तरफ तो सारे बीमार होने लग गए, इसको भी बुखार हो गया, इनको भी बुखार हो गया। अल्लाह ताला खैर करे, अगर कल बारिश हुई है पता नहीं उसकी वजह से क्या इन दोनों को बुखार हो गया। अल्लाह ताला सेहत दे इनको, क्योंकि डॉक्टर के पास गया था आज, डॉक्टर नहीं मिला, तो देखते हैं दोबारा, फिर अगर आ गया तो फिर चेक करवाते हैं। इनको भी कल से बुखार हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम नाम बिल्कुल ठीक है, हमारे दोस्त हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसलिए एक दो अच्छा था क्योंकि करते हैं जो भी बहन भाई जिस प्रदेश से हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपना खास करम करें। तो आज हम बना रहे हैं पेठे की सब्ज़ी और मैं जो है ना पेठा काट लिया अभी अभी प्याज काटने लगी हूँ। इधर जो है ना सारे के सारे छिलके मेरे पास पड़े हैं। सब्ज़ी वगैरह साथ प्याज भी काट रहे हैं ताकि एक ही दफ़ा कट जाए, फिर एक ही दफ़ा बना लेंगे। कल जब बारिश हुई है तो मौसम बड़ा अच्छा लगने लग गया है ना, थोड़ी सी ठंड ठंड थी, तो अभी फिर उसी तरह की गर्मी हो गई है। सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल हवा पूरा दिन नहीं। बारिश हो भी सही तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। सामान हम ले आए इधर, आग जलानी है अभी क्योंकि बारिश भी कल हुई है ना, जगह भी गीली है काफ़ी ना, तंग करेगी आग। जिधर हम जाते हैं काम करते हैं मुर्गा हमारे साथ साथ होता है। अब इधर हांडी बन रही है, ये भी साथ साथ खेलता भी है, और इधर कुछ ढूंढ लिया है इसने खाने के लिए। आग जी हमारी जल गई है। बहुत महंगाई आ गई है जी, हालात बड़े ख़राब हो गए। अल्लाह ताला आप करम करे हर बहन भाइयों पे, सलामत रहें जो बहन भाई हमें देखते हैं देश परदेश से। खाना पीना भी महंगा, बिजली के बिल भी महंगे, ये पैकेज जो लगता है नेट का वीडियो अपलोड के लिए वो भी महंगे। गरीब बंदा क्या कहाँ जाए, 1000 रुपया दिहाड़ी है इन मिस्त्रियों के साथ। इस टाइम बंदा वापस आता है तो हम वीडियो बनाने लग जाते हैं, कभी कभी तो दिल करता है बंदा ना बनाए ना पैकेज लगाए, क्योंकि इस टाइम वैसे भी थका हुआ बंदा आता है। ये मुर्गा भी साथ, थका हुआ बंदा आता है इस टाइम सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। आग तंग करने लग गई है भी, वो घी वाला पैकेट भी डाला है शायद उसको लग गई, लग जाए तो। ये बारिश के मौसम में बड़ा तंग करती है गांव में आग ना, ये जो मौसम है इसमें वो जो माचिस है ना वो भी वो सोगी हुई पड़ी होती है नरम नरम। आज हम बना रहे हैं पेठा, पेठे की सब्जी।
₹50 की हमने मिर्चें मंगाई हैं, मिर्चें हमारे पास नहीं थी तो अभी हमने ये 50 की मंगाई हैं, दुकान वाले से लेके आया। दुकान वाला कह रहा था कि ये बहुत कड़वी हैं, अपने हिसाब से डालनी। ये हम वो बीज जो है ना ये संभाल के रख रहे हैं, जब सब्जी लगाने की बारी आएगी ना तो ये लगाएंगे। इस तरह सब्जियों के बीज ना इकट्ठे करते रहते हैं, जिसमें बीज होता है फिर काम आता है। ये जी हमारी हांडी तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इधर तंदूर जला दिए जी, ये जलेगी तो फिर रोटी बना लेंगे।